नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद टीवी में। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पिछले साल के सितंबर में करीब 3000 किलो हीरोइन जब्त किया गया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस हीरोइन की कीमत लगभग 21000 करोड़ रुपए है। इस मामले ने देश को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंपी गई। NIA ने इस मामले की तह तक जाने के लिए जांच शुरू की और अब NIA ने अहमदाबाद के विशेष कोर्ट में इस मामले से जुड़ी कई जानकारी दी है। जांच एजेंसी ने बताया है कि अरबों रुपए के इस ड्रग्स का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप से है। NIA ने 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इसमें 11 लोग अफगानिस्तान के नागरिक हैं, जबकि 4 भारतीय नागरिक इसमें शामिल हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति का संबंध ईरान से है। जांच एजेंसी के अनुसार इसमें शामिल 2 लोगों मोहम्मद हुसैन दाद और मोहम्मद हसन दाद का सीधा संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से है। हसन और हुसैन दाद अफगानिस्तान के कंधार से एक कंपनी चलाते हैं, जिसका नाम हसन हुसैन लिमिटेड है। इसी कंपनी का सामान भारत लाया गया था। इसे कंधार से ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर भेजा गया और ईरान से फिर भारत के मुंद्रा पोर्ट पर भेजा गया। इसे स्टोन पाउडर बताया गया था, लेकिन उसके बीच हीरोइन छुपाकर रखा गया था। इसे भारत में चेन्नई की एक कंपनी आशी ट्रेडिंग को भेजा गया था। आशी ट्रेडिंग के मालिक मचवरम सुधाकर और उनकी पत्नी गोविंद राजू दुर्गा है। NIA ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। जांच एजेंसी ने कहा है कि अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 6 लोग अब भी फरार हैं, जिसे गिरफ्तार करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने इस पूरे मामले को आतंकवाद के लिए फंडिंग का तरीका बताया है। दरअसल पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का लिंक अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में ड्रग्स के माध्यम से आतंकवादी संगठनों को फंडिंग दी जाती है। इसी कारण पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी इस रूट का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करते हैं। पाक आतंकी संगठन अफगानिस्तान से ड्रग्स खरीदकर उसे भारत के डीलर के पास भेजता है और फिर हवाला के माध्यम से इसका पैसा पाकिस्तान और फिर भारत के उन संगठनों को जाता है जहां से आतंकी गतिविधियां चलाई जाती हैं। इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान के आतंकी संगठन हथियार खरीदने के साथ साथ भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वाले संगठनों को देते हैं। ऐसे भी भारत में पाकिस्तान के कई ऐसे संगठन मिल जाते हैं जो यहाँ रहकर देश विरोधी गतिविधियां चलाते हैं। इन लोगों को फंड पाकिस्तान से आता है और इन संगठनों में से कुछ विरोध प्रदर्शन को आधार बनाकर देश का माहौल खराब करते हैं। इसके साथ साथ भारत में मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार की अफवाह फैलाते हैं और भटके हुए युवाओं को अपने साथ शामिल करके फिर इसे आतंकी बनने की राह पर ले जाते हैं, जो बाद में भारत में आतंक फैलाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हिंद टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।